डोईवाला में भारी बारिश का कहर जारी है। जहां एक ओर नदी नाले उफान पर है तो वहीं दूसरी ओर नदी के पुल तेज बहाव और कटाव के चलते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सुजवा नदी पर बना बुल्ला वाला पुल भी तेज बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, पुल की अप्रोच रोड व पुल के बीच में दरारें भी आ गई हैं। पुल में दरारें आने के बावजूद भारी वाहनों का संचालन हो रहा था, जिसे प्रशासन ने बंद करवा दिया गया है। पुल को मजबूत करने की कवायद प्रशासन की तरफ से तेज कर दी गई है, लेकिन स्थानीय निवासी प्रशासन पर पुल को लेकर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय निवासी रणजोत सिंह ने कहा कि इस पुल के बहने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हो रहा खनन है, जिस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही है और लोक निर्माण विभाग अब लीपापोती करने में लगा हुआ है। यहाँ पर खनन की परमिशन जिसने भी दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं डोईवाला तहसीलदार ने कहा कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है, पुल की मरम्मत का काम जारी है। जब रानी पाखरी का पुल बना था उसका भी सबसे बड़ा कारण खनन था, लेकिन इन लोगों ने, विभागीय जो अधिकारी है, इन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, उससे भी सीख नहीं ली कि इतना बड़ा पुल रानी पोखरी का जो है सिर्फ खनन की वजह से गिरा था। और इस पुल के 100 मीटर नीचे, जिस, मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से या सक्षम अधिकारियों से, जिस व्यक्ति ने इसकी परमिशन दी है इस खनन की इतने गहरे गड्ढे करने की, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आज लीपापोती होनी चाहिए कि इधर से बना दो, इधर से पानी पलट दो। तो वो सक्षम अधिकारी जिसने जो है इस पुल को गिरने का काम किया, पूरा बुल्ला वाला झबरा वाला की जनता को परेशान किया है, उस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने इतनी बड़ा खनन यहाँ पे करवाया है, जिसकी फोटो है, डीटीएच सब कुछ आपके पास होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि उन उस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, कितना भी उच्च अधिकारी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तेज बारिश के कारण से बुल्ला वाला पुल का जो बाजार से दूसरी साइड वाला अप्रोच है वो टूट गया है। मैंने पीडब्ल्यूडी को अवगत करा दिया गया है कि करके पहले, सबसे पहले तो नदी को थोड़ा डाइवर्ट करें ताकि उस हिसाब से काम हो सके। और एहतियातन के तौर पे हमने जो चार पहिया वाहन है उनकी आवागमन को पूर्णतः रोक दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि यथाशीघ्र इसको रिपेयर कर दिया जाए ठीक ढंग से, ताकि जो है ये पुल की जो सुरक्षा हो पाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।